हेलो दोस्तों, आपने देखा था पार्ट वन में मैंने CRPF का जो है रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था। उसके बाद पार्ट टू जो है 1 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होना था। तो चलिए हम पार्ट टू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं देखिए पार्ट टू फॉर्म भरने के लिए ये CRPF का जो यूज़र ID हमको मिला था वो भर दिया हूँ, पासवर्ड भर दिया हूँ, कैप्चा को फिल करके लॉग इन करेंगे। लॉग इन करेंगे, इस प्रकार से पेज लोड होगा, इस प्रकार से आपका डिटेल्स खुल के आ जाएगा, नाम पता मोबाइल नंबर सब डिटेल्स आपका दिखने लगेगा। अब सिंपल यहाँ गो टू एप्लीकेशन पे करेंगे क्लिक, पेज इस प्रकार से लोड लेगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। मोबाइल से ही दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना है, एक एक बिंदु पे मैं बात करूंगा। इस प्रकार से पॉपअप आएगा, क्लोज कर देंगे, नीचे बढ़ेंगे। बाद देखिए फॉर्म खुल के आ जाएगा। 4 चरण में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, दूसरा है कम्युनिकेशन डिटेल्स, तीसरा आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन है। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो दिख जाएगा, जेंडर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे या लिख भी सकते हैं इसमें। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ से नेशनलिटी में ए सिटीजन ऑफ इंडिया चूज़ कर लेंगे। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ से रिजर्व कैटेगरी पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जनरल है, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, जो हैं उसको चूज़ कर लेंगे, जैसे मैं SC चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर आपका नाम पहले से दिखा होगा, यहाँ पे फादर्स नेम डाल देना है, नीचे मदर्स नेम डाल देंगे, यहाँ मोबाइल नंबर आपका पहले से ही फिल रहेगा, ईमेल आईडी आपका पहले से ही फिल रहेगा। नीचे बढ़ेंगे, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस पूछेगा आपको, इसमें तीन आपको देना है ऑप्शन है, तो पहला आप चूज़ करेंगे, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको चूज़ कर लीजिए, जैसे मैं उत्तर प्रदेश चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अपना पहला सेंटर जो है वाराणसी में लूँगा, तो मैं वाराणसी चूज़ कर लेता हूँ, फिर वाराणसी यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार से आप दूसरा चूज़ कर लेंगे और तीसरा चूज़ कर लेंगे। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है एक्स सर्विस मैन डिटेल्स, यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस या नो में जवाब देंगे। उसके बाद है एडिशनल डिटेल्स, आर यू इन सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस या नो में जवाब दीजिए। आर यू चिल्ड्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द इथनल रूट्स कम्युनल इन गुजरात, यदि आप गुजरात दंगों में के पीड़ित हैं तो यस या नो में जवाब देके 7 नेक्स्ट कर देंगे। चलिए हम 7 नेक्स्ट करते हैं। फिर देखिए दोस्तों मैं इसमें सब फिल कर लिया हूँ अपना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। 7 नेक्स्ट करेंगे, डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कम्युनिकेशन डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स में आएंगे, यहाँ पे एड्रेस फर्स्ट में अपना नाम लिख देंगे विलेज का, एड्रेस टू में आप भर दीजिएगा पोस्ट का नाम, कंट्री आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया। उसके बाद स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश से हैं, किससे हैं, जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं वाराणसी से हूँ तो वाराणसी सेलेक्ट करूँगा, वाराणसी यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे पिन कोड है, अपना पिन कोड फिल कर देंगे, यदि आपका ऊपर का पता सेम है तो इसमें यस कर दीजिएगा, इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉर्पोरेंस एड्रेस पे यस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सब फिल हो जाएगा। नीचे बढ़ेंगे, 7 नेक्स्ट कर देंगे। चलिए मैं 7 नेक्स्ट करके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल्स पर पहुँच जाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं कम्युनिकेशन डिटेल्स को भर लिया हूँ, उसके बाद 7 नेक्स्ट करता हूँ। 7 नेक्स्ट करेंगे, फिर पॉपअप देगा, डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। दोस्तों मैं मोबाइल से ही आपको ये फिल करके पूरा मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है, आप घर बैठे मोबाइल से इसको आसानी पूर्वक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल में हम आ गए हैं, यहाँ देखेंगे मैट्रिकुलेशन 10th डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, जैसे UP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है। नीचे आएंगे ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग में जिस सन में आप हाई स्कूल पास किए हैं उसको फिल कर दीजिएगा। नीचे बढ़ेंगे इंस्टीट्यूट नेम, कहाँ से आप पढ़े हैं इसको फिल कीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अपना सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, जो जो भी सब्जेक्ट होगा।
उसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा आपको, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, इस पर टिक करेंगे, सी जी पी ए है या परसेंटेज है, तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट आप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज सी जी पी ए है, कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे बढ़ेंगे, मार्क्स ऑब्टेंड में आप कितना नंबर पाए हैं हाई स्कूल में उसको लिखेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स में आप जो है कितने में से पाए हैं। ठीक है, नीचे बढ़ेंगे आप, इंटरमीडिएट का डिटेल उसी प्रकार से आप इसमें दे देंगे जैसे उसमें दिए थे हाई स्कूल में। उसके बाद सेवन नेक्स्ट कर देंगे। चलिए हम सेवन नेक्स्ट करते हैं, अगले चरण पे पहुँचते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल भी भर लिए हैं। उसके बाद सेवन नेक्स्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, हम सेवन नेक्स्ट करते हैं। सेवन नेक्स्ट करेंगे, डाटा सेव सक्सेसफुली, तो ओके कर देंगे। ऊपर से आपको ये चेक बॉक्स करने के लिए कहेगा। यहाँ पे देखिए, अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड क्या करना है, अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड योर सिग्नेचर है, उसके बाद बढ़ेंगे तो अपलोड योर स्कैन कक्षा 10 का मार्कशीट आपको यहाँ लगाना होगा, उसके बाद कक्षा 12 का मार्कशीट लगाना होगा, तो उसके बाद आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मोबाइल से ही आपको अपलोड करके भी दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे अपलोड करना है, तो बने रहिए वीडियो में। यहाँ देखेंगे दिया है अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो क्लिक हियर टू अपलोड वाले पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देखिए इसका जो है 50 KB से 100 KB के बीच का आपका फ़ोटो रहेगा 200 DPI में। यहाँ ड्रॉप फाइल्स हियर पे क्लिक कर देंगे, आपके गैलरी में आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा, वहाँ से अपना फ़ोटो चूज़ कर लेंगे आप। चलिए मैं अपना फ़ोटो चूज़ करता हूँ। यहाँ देखिए मैं 76 KB का फ़ोटो ले रहा हूँ, ये देखिए अपलोड हो गया। फ़ोटो रिसाइज कैसे करना है इस पर मैं वीडियो पहले से बना दिया हूँ, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा से और अच्छे से बना दूंगा। ओनली फॉर सीआरपीएफ के लिए कि किससे आप रिसाइज करेंगे मोबाइल से। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, अपलोड स्कैन सिग्नेचर है, तो चलिए मैं सब अपना यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं सब अपना अपलोड कर दिया हूँ। फ़ोटो और आपका सिग्नेचर जो रहेगा वो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच का रहेगा। उसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका 100 KB से लेकर 1 MB के बीच का रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसे नेक्स्ट करेंगे। अपलोडिंग के बाद यहाँ डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, सब पे टिक कर देना है आपको। टिक करते जाइए, टिक करते जाइए। टिक करने के बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल करके सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके पहले आप प्रीव्यू करिएगा, प्रीव्यू करेंगे तो कहीं गलती हुआ तो ये बता देगा, उसके बाद सबमिट करना है। चलिए मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। प्रीव्यू पे दोस्तों क्लिक करते देखिए इस प्रकार से आपका डिटेल्स खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे फोटो शो करने लगेगा, नाम शो करने लगेगा, माता पिता का नाम शो करेगा। उसके बाद नीचे बढ़ते जाएंगे, नीचे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ से ओके यहाँ पर दिख रहा है, ओके कर देंगे आप। ओके करते फिर आप यहाँ पे नीचे बढ़ेंगे, यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पॉपअप देगा इंस्ट्रक्शंस का, पर्सनल डाटा, ईमेल आईडी सब चेक करने के लिए, तो आई एग्री पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक करेंगे फिर इंटर करेक्ट टेक्स्ट शो इन द इमेज, इसका मतलब इस कैप्चा को मैं सही से नहीं बताता तो इस कैप्चा को फिल करता हूँ, उसके बाद सबमिट करता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं इसको फिल कर दिया हूँ कैप्चा को, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते इस प्रकार से पॉपअप देगा, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, फॉर्म आपका फिर सबमिट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली का ऑप्शन मिल जाएगा, ओके कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपका डिटेल दिख जाएगा। डिटेल दिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे कोने पर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करेंगे। मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल में ही इसको सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सेव हो गया, ये 4 पन्नों में है, सेव हो जाएगा। उसके बाद आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे इसका। दोस्तों आशा करता हूँ आपको फॉर्म समझ में आएगा कैसे फिल करना है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।